हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड। यू नो वी आर डीलिंग विद द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एंड टुडे वी विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. तो एक बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट, जिसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर और हाइट 32 सेंटीमीटर। इसमें रेत भरा हुआ है। इस रेत को हम ज़मीन पर डाल देते हैं और इसका शेप जो बनता है वो एक कोन बनता है, कोनिकल हीप बनता है, एक डेर, और इस कोन की हाइट बनती है 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस कोन का रेडियस कितना होगा और इसकी स्लांट हाइट कितनी होगी। जाहिर है कि वॉल्यूम जितना सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस कोनिकल हीप का भी होगा, क्योंकि यही रेत हम डालते हैं जिससे ये हीप ऑफ सैंड बनता है, कोनिकल हीप। तो अभी देखते हैं कि कैसे कितना होगा इसका रेडियस और स्लांट हाइट। रेडियस ऑफ द सिलेंडर 18 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 32 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द सैंड, सैंड का भी वही वॉल्यूम होगा जो सिलेंडर का है, क्योंकि सिलेंडर पूरा भरा हुआ है सैंड से। तो सिलेंडर का फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच पाई, चलिए 3.14 यूज़ कर सकते हैं। रेडियस स्क्वायर 18 × 18, हाइट 32। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो वो बनता है 32,555.52 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से सैंड का जो वॉल्यूम है वो है 32,555.52 सेंटीमीटर क्यूब, और यही बकेट का सैंड, सिलेंड्रिकल बकेट का सैंड हम डालते हैं जिसका ये कोनिकल हीप बनता है, इसलिए इस कोनिकल हीप का भी वॉल्यूम यही होगा जो सैंड का था सिलेंडर के अंदर। हाइट ऑफ द कोनिकल हीप 24 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप कितना होगा, जितना सिलेंडर में सैंड था उसका वॉल्यूम 32,555.52 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वही रेत हमने डाला जो सिलेंडर में भरा हुआ था, इसलिए उसका वॉल्यूम वही होगा जितना पहले था। अब कोनिकल हीप है, इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन बनता है, तो इसका वैल्यू आता है वही जो सैंड का है भी हमने निकाला, 32,555.52 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पाई का फिर वैल्यू दे देंगे 3.14, रेडियस निकालना है, हाइट कोन का है 24, क्योंकि कोनिकल हीप जो है उसका हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऐसे ही रहेगा। तो इसका कसर काटते हैं, 3 × 3 = 24, 3.14 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वो बनता है 25.12 और मल्टीप्लाई और स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो अब यहाँ 25.12 को राइट साइड में ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32,555.52/25.12 जो यहाँ से हमने निकाला आया। अब इनको डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 1296। इस तरह से आर स्क्वायर का वैल्यू है 1296। अब ये 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर बनता है, 36 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1296 बनता है। तो अब आर स्क्वायर इज इक्वल 36 स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं तो क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू 36,
इस तरह से रेडियस जो है कोनिकल हीप का वो है 36 सेंटीमीटर। अब हमने पहले ही पता है हमें कि कोन के अंदर क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल होता है स्लॉट हाइट और रेडियस और एच हाइट। आर का वैल्यू हमें पता है 36, तो 36 स्क्वायर। हाइट का भी वैल्यू पता है 24, तो 24 स्क्वायर। 36 स्क्वायर 1296, 24 स्क्वायर बनता है 576। इनको ऐड करते हैं तो वो बनता है 1872। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1872 स्क्वायर को यहाँ लाते हैं तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये बनेगा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1872। 1872 इसके फैक्टर देखते हैं 12 से, इसको फैक्टर देखते ऐसे बनते हैं 12 × 12 × 13। तो हम लिख सकते हैं इसके बदले 12 स्क्वायर और 13। अब 12 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 बनेगा और स्क्वायर रूट के अंदर 13 रहेगा। सो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो स्लॉट हाइट कितना है 12 स्क्वायर रूट 13। इस तरह से हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल 36 सेंटीमीटर एंड स्लॉट हाइट इज 12 रूट 13 सेंटीमीटर्स। अब आइए एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल इट इरिगेट, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। एक नदी में पानी है, नदी की ब्रेथ 6 मीटर है और इसकी गहराई पानी की 1.5 मीटर है और इसमें पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हमें बताना है कि 30 मिनट में ये कितने एरिया को इरिगेट करेगा अगर हमें फील्ड में 8 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। तो फील्ड में पानी रखना है 8 सेंटीमीटर हाइट का, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितना एरिया ये इरिगेट कर सकता है 30 मिनट्स के अंदर। पहले हम देखेंगे कि 30 मिनट्स के अंदर कितना पानी इस कैनाल में से बहेगा। उसके लिए हम देखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर है, डेप्थ ऑफ द कैनाल 1.5 मीटर है, पानी का जो गहराई है 1.5 मीटर है, स्पीड ऑफ वाटर जो इसमें है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी मीटर में चेंज करते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 10 किलोमीटर 10,000 मीटर के बराबर होगा। सो 10 किलोमीटर किसके बराबर होता है 10,000 मीटर। तो इस तरह से स्पीड ऑफ वाटर 10,000 मीटर पर आवर, एक घंटा आगे चलेगा तो 10,000 मीटर चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट्स और 1/2 आवर, क्योंकि 30 मिनट्स कितना होता है हाफ आवर, आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा ये नदी का पानी 1/2 × 10,000, क्योंकि एक घंटे में 10,000 मीटर चलता है, तो हाफ आवर में आधे घंटे में कितना चलेगा 10,000 का हाफ दैट इज 5,000 मीटर्स। आधे घंटे में ये पानी जो है नदी का ये 5,000 मीटर चलेगा। तो इस तरह से आधे घंटे में जो ये पानी चलेगा इस ये एक तरह से एक क्यूबॉइड बनाएगा, उस जिस क्यूबॉइड की लेंथ 5,000 मीटर होगी और विड्थ 6 मीटर होगी और हाइट 1.5 मीटर होगी। दस द वाटर फ्लोइंग इन द कैनाल इन 30 मिनट्स फॉर्म्स ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 5,000 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना पानी चलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ जो इस वाटर कॉलम की बनेगी आधे घंटे में वो 5,000 मीटर है और ब्रेड्थ 6 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है, को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है 45,000 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आधे घंटे में इस कैनाल में 45,000 मीटर क्यूब पानी चलेगा। अब यही 45,000 मीटर क्यूब पानी हमें फील्ड में डालना है, तो
तो हमें देखना है कितने एरिया पर ये पानी इरिगेट करेगा। अगर हमें 8 सेंटीमीटर पानी की हाइट फील्ड में रखनी है, हाइट ऑफ वाटर इन द फील्ड 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ मीटर्स हैं तो यहाँ इसको भी मीटर में चेंज करते हैं, तो ये 8/100 मीटर बनेगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 8/100 मीटर हाइट ऑफ द वाटर है जो फील्ड में रखना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, पानी का वॉल्यूम जो हमें फील्ड में डालना है वो कितना है, जितना पानी इस कैनाल में से बहता है वो 45,000 मीटर क्यूब, वही पानी फील्ड में जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, इसका एक और तरीका, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट ऑफ वाटर, वो भी निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो किसके बराबर आना चाहिए, 45,000 मीटर क्यूब के बराबर। अब एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है, हाइट ऑफ वाटर कितना रखना है, 8/100 मीटर इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। अब 8/100 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो अगर मल्टीपल में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल बनेगा, 100/8 तो मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ से एरिया ऑफ द फील्ड है, एरिया स्क्वायर्स में आता है। तो इस तरह से एरिया ऑफ द फील्ड कैसे निकलेगा, 45,000 इंटू 100/8 मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ द फील्ड जो है वो कितना है, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को ये वाटर इरिगेट करेगा, इतने एरिया पर ये पानी जा सकता है। अब मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर्स में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर स्क्वायर है, इसको हेक्टेयर्स में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड कर, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं, दो जीरो कट, फिर दो जीरो बचते हैं तो दो के बाद डेसिमल लगेगा, तो 56.25 हेक्टेयर्स। तो कितने एरिया पर ये इरिगेशन दे सकता है, पानी दे सकता है ये पानी, तो कितना है, 56.25 हेक्टेयर्स। अगर हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आधे घंटे में जितना पानी इस कैनाल में बहेगा वही पानी इस फील्ड के अंदर जाएगा। आधे घंटे में 45,000 मीटर क्यूब पानी चलता है इस कैनाल में, तो वही पानी इस फील्ड में जाएगा। तो अगर 8 सेंटीमीटर हमें हाइट रखनी है पानी की, तो एरिया 5,62,500 मीटर स्क्वायर होगा, और जिसको हम अगर हेक्टेयर्स में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 56.25 हेक्टेयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज हमने किया इस एक्सरसाइज 13.3 से। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।